मंगलवार को सुजानपुर भाजपा का एक दिवसीय ग्राम केंद्र प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे कार्यकर्ताओं से मिशन रिपीट को लेकर किस तरह कार्य किया जाए इसके बारे में जानकारी दी गई। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्य अतिथि का भाजपा सुजानपुर मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, उपाध्यक्ष अंकुश गुप्ता, महामंत्री पवन शर्मा, अनिल शर्मा, भाजपा शहरी इकाई अध्यक्ष सुमन महाजन, सचिव सुधीर भटनागर के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी का रूटीन कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं को पार्टी अपनी रीढ़ की हड्डी मानती है, ऐसे में उनसे लगातार संपर्क बना रहे, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ग्राम केंद्र प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुके हैं। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मिशन रिपीट को लेकर काम कर रहा है। ग्राम केंद्र से लेकर विधानसभा तक ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे। प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं को केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को किस तरह से लोगों तक पहुँचाया जा सके और लोग इसका किस तरह फायदा ले सकते हैं, इसके बारे में भी जागरूक करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यक्रम है। मतदान केंद्र से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अलग अलग समय पर प्रशिक्षण शिविर लगते हैं। आज से सारे प्रदेश में हर मंडल के ग्राम केंद्रों के जो मुखिया हैं उनके प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुए हैं। एक ग्राम केंद्र में 3, 4 या 5 बूथ होते हैं। 3, 4, 5 मतदान केंद्रों के जो अध्यक्ष हैं उनको हम ग्राम केंद्र अध्यक्ष बोलते हैं। तो प्रदेश भर के हर मंडल में ऐसा कार्यक्रम था। सुजानपुर का भी सुजानपुर रखा गया था और अलग अलग सत्रों में अलग अलग प्रमुख दायित्व जिन कार्यकर्ताओं नेताओं के पास है उनको उन्होंने एड्रेस किया है। संगठन में कैसे काम करना, बूथ की संरचना कैसे करना, केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ, प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ, केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों से क्या लाभ किस व्यक्ति को मिला है, तो लाभार्थी उसको लाभ मिला है। सरकार ने काम तो बहुत किए। हर बूथ में अगर देखें तो जयराम सरकार ने 80 साल से आयु कम करके 70 साल से बुढ़ापा पेंशन दी 1500 रुपये की, उसमें लाखों लोग कवर हुए। तो उनको पता भी लगे कि सरकार ने दिया कैसे मिला, कि आजकल तो डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है वो बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो एक कार्यकर्ता का दायित्व है कि जो लाभ जिसको मिला है, किसान को सम्मान निधि मिलती है तो उसका जिक्र करना, उसकी उसको पता लगना कि उसको क्या मिल रहा है, कौन दे रहा है। जैसे बर्ग पेंशन भूतपूर्व सैनिकों को मोदी जी ने दिया, अब सैनिकों के खाते में तो लाखों रुपये आ गए एरियर के। जिसको 3,500 पेंशन थी उसको 55,000, 60,000, 70,000 हो गए। लेकिन उसको एक याद दिलाना कि बेनिफिट किससे मिला है, किसी को रोजगार मिला है, किसी को अपना स्वरोजगार शुरू किया है, निर्भर भारत में मुख्यमंत्री की स्वावलंबन योजना में अपना काम देता शुरू किया है। तो जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं इनके बारे में लाभार्थियों को अलग अलग मतदान केंद्र पर, और एक काम तब आसान होता है जब हर मतदान केंद्र पर हमारी इकाई